हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSFSLDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो 100 क्वेश्चन देखा गया है मिनी मॉक टेस्ट 1 में, उसमें मैथ पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है आपका मैथ पार्ट है, फ्रेंड्स मैं बता दूं हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे CSFSLDC के लिए आपको अभी कूपन अप्लाई करना होगा होली, और इससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अपने दोस्तों के पास और लोगों के पास हमारा कोर्स को जरूर शेयर करें, और परचेज करते समय ये कोड जो है जरूर अप्लाई करें। आपको हर एक कोर्स पे, चाहे वो आपका 599 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 1299 का, सभी पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर कब तक रहेगा आपका? 10 मार्च तक रहेगा अभी से, और आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं, आप अपना समय के अनुसार उसको कभी भी देख सकते हैं। अब जो हमारा स्पेशल फोकस रहने वाला है कि जो चीज पढ़ाया गया है उस पे आपको मैं मॉक टेस्ट कराऊं, आपका कैसे नंबर इंक्रीज हो, आपका डर कैसे खत्म हो। देखिए, बस सिलेबस पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, साथ में आपका डर सबसे जरूरी जो है कि डर खत्म कैसे हो, नंबर कैसे इंक्रीज हो, मार्क कैसे बढ़े, इन सब पे फोकस किया जाएगा। तो आप एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें फ्यूचर रोजगार। पहला टेस्ट जो है सभी के लिए जो है फ्री रखा गया है। हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ का पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। और अगर आपको हमारा प्रयास मेहनत पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों के पास इस वीडियो को पूरा शेयर करें। हम लोग 25 क्वेश्चन, पहला जो मिनी मॉक टेस्ट है ये आपको बूस्ट करने का काम आएगा। कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए आपको पूरा 3.5 घंटा समय नहीं मिल रहा है, तो आप इस टेस्ट को दीजिए, अपनी कमियों को देखिए, फोकस करिए एक हफ्ता, फिर अगला टेस्ट दीजिए। इस तरह से प्रोसेस करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगातार मैं टेस्ट दे रहा हूं तो आप टेस्ट करते जाइए, नहीं, आपका काम कुछ अलग होगा, हमारा काम कुछ अलग होगा। हमारा काम होगा कि मैं आपको टेस्ट देते जाऊं, आपका काम होगा टेस्ट दिए, कमियों को पहचानिए, कमियों को छांटिए, कहां गलती हो रही है, किस वजह से नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूं उस हिसाब से मेहनत करिए। एक हफ्ते में ऐसा नहीं है कि चारों सब्जेक्ट को आप सुधार लीजिए, कुछ टॉपिक को पकड़िए, 3-3, 4-4 टॉपिक अगर आप सुधार करते जाएंगे हर हफ्ते में, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपका स्कोर इतना अच्छा आने लगेगा कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि आप कभी ऐसा प्रदर्शन का उम्मीद किए होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो हीरे का वैल्यू है, वर्थ है, उसके वेट के स्क्वायर का जो है प्रोपोर्शनल है। क्या? उसके वजन के वर्ग, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम की हीरे की कीमत 2560 रुपए है। कितने ग्राम का हीरा है? 14 ग्राम का है, और कीमत क्या है? 2560 रुपए। यह हीरा 5:9 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है, यानी ये जो 14 ग्राम का हीरा था अब दो रेशियो में टूट जाता है, 5:9। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो अब कुछ लोग सोचेंगे लॉस क्यों होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए पहले जो हीरे का वजन था 14 ग्राम था, तो आप जब 14 का स्क्वायर करेंगे, और जब आप 14 को दो अनुपात में तोड़ देंगे 5 और 9 के अनुपात में, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू जो है कम आएगा। क्या? इसका वैल्यू कम आएगा, इस वजह से यहां पे इसको क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? इस वजह से यहां पे उसको लॉस होगा। अगर आप मान लो 14 ग्राम का हीरा है, ठीक है, अगर सिर्फ इसके वजन के अनुक्रमानुपाती होता, क्या, ध्यान से समझिएगा अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 14 ग्राम का हीरा है, अगर इसका वेट का प्रोपोर्शनल होता, वजन का अनुक्रमानुपाती होता, तब तो कोई नुकसान नहीं होता। 14 ग्राम का हीरा था, 5:9 के अनुपात में टूट गया, क्या नुकसान हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। पहले भी 14 था, अब भी 5 और 9, 14 ही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो
यही हम कह दें स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196, और ए 14 ग्राम को जब 5 और 9 के अनुपात में तोड़ेंगे तो 5 ग्राम और कितना आ जाएगा, 9 ग्राम आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 9 का स्क्वायर करिएगा 81। पहले जो था रेट 196 के हिसाब से, अब 25 और 81 जोड़ेंगे 106, यानी कि पहले आपको 196 के अनुसार रुपए मिले थे 2560 रुपए, अब 106 के अनुसार मिलेंगे, यानी आपको कितना नुकसान हो गया, 196 में से 106 घटा देंगे 90 का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, 90 का। प्रारंभिक वैल्यू क्या है, 196, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका, 100 का। यानी आपको क्या करना है, 9000 में 196 का भाग देना है। हम देखते हैं क्या कोई चीज कटेगा क्या, तो कटे तो गा, काट लेते हैं 4 से 25 बार, 4 से इसको करते हैं, 4 चौक 16, 4 9 36, 49 आ गया। अब इधर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 25 का गुणा करेंगे 90 में, 25 नवा 225, इसमें आप किससे भाग देने वाले हैं, 49 से भाग देने वाले हैं, किससे, 49 से। तो 49 से कितनी बार 225 में भाग जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 9 36 को 6, 3 बचा, 4 चौक 16 और 3 19, 25 और 4 29 शेष बच गया, 290 हो जाएगा। फिर 49 से हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा पूरी तरह से, 5 बार जाएगा, 49 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कितना, 245, कितना आ गया, 245 आ गया, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4, कितना हो गया हमारे पास, 45 हो गया। तो इसके बाद भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, 49 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45.9%। जब आपको 45 मिल गया था, यहाँ पे 45 मिल गया था यहाँ वाला, तभी आप इसका आंसर टिक कर सकते थे, क्योंकि बाकी ऑप्शन में किसी में भी देखिए सिर्फ एक ऑप्शन में 45.92 है, बाकी में सभी में किसी में 55 है, किसी में 49 है, किसी में 53 है। तो ए जो है अभी तक नया प्रश्न था, ठीक है, लेकिन आप अगर बेसिक समझे रहेंगे, क्वेश्चंस को समझने लगेंगे, तो नया प्रश्न भी आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको कोर्स में कराया गया है, वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है, यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 है तो क्रमशः ए और बी का क्रय मूल्य क्या है, द सेलिंग प्राइजेस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी आर द सेम, क्या सेम है, इनका सेलिंग प्राइस जो है दोनों का सेम है, ए इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 28% and B is sold at a loss of 24%. If the total selling price of both the articles is 48,640, then what is the cost price of A and B respectively? तो देखिए, दोनों का जो है क्या है हमारा, selling price same है, क्या है, selling price same है, और कुल हमारा selling price यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 48,640 रुपए। यदि दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है, 48,640, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 48,640 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, चौबीस हजार 320 ए का भी है सेलिंग प्राइस और बी का भी सेलिंग प्राइस कितना है,
24,320। ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या? विक्रय मूल्य। अब आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है। क्या करना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है। तो जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होता है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी 100 का मल्टीप्लाई करिए और यहां भी 100 का मल्टीप्लाई करिए। पहले केस में क्या हुआ है, 28% लाभ हुआ है, तो जो प्रॉफिट हो, यदि प्रॉफिट हो तो उसको 100 में जोड़ के नीचे 128, अगर आपको लॉस हुआ है तो दूसरे में से 100 में से घटा के, तो 100 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अब हम इसको कट करते हैं, तो देखिए 4 से कट करेंगे 25 बार, 4 से कट करेंगे 32 बार, कितनी बार, 32 बार हो जाएगा। फिर 32 से काटते हैं इसको, 30 सते 210 24 224 हो जाएगा। 32 से 7 बार काटेंगे 224, 243 में से 224 जाएगा, 19 बचेगा, 192 हो गया, 32 छक्का 192, कितना बच गया हमारा, 76। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का करना है, 25 का, 25 छक्का 150 को 0, 15 बचा, 25 सते 175 और 15 90। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हुआ है क्या, 32, अच्छा यहाँ पे 0 नहीं लगाया हम लोगों ने, क्या 0 नहीं लगाया, 4 से इसको काटे, 4 से इसको काटे, 32 32 सते, फिर बचा था हमारा, हाँ 0 नहीं लगाया था हमने, इस वजह से गलत आ रहा था, पहले 0 लगा लेंगे, फिर 25 छक्का 150 को 0, 15 बचा, फिर 25 सते 175, 175 में 15 जोड़ेंगे 190, हमारा एक जो मूल्य आ जाएगा प्रथम वस्तु का, यानी एक का क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 19,000। तो आप देखिए क्या किसी ऑप्शन में 19,000 है क्या, आप देखेंगे चौथे ऑप्शन में 19,000 है, आप इससे भी आंसर पे जा सकते हैं। फिर हम इसको कर लेते हैं, 4 से कट करेंगे 25 बार, 4 से कट करेंगे 19 बार, 19 से कट करेंगे इसको, 19 से कम 19, 5 बचा 53, 19 दूनी 38, 38 और 15 53 152, 19 का हम कट करेंगे 8 बार 152, फिर 25 का गुणा होगा यहाँ पे 25, 200 0 20, 25 दूनी 50 20, 70 को 0 7, 25 एक 25 और 25 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 32,000, कितना आ जाएगा 32,000, यानी दूसरा वस्तु का जो मूल्य आ जाएगा 32,000 आ जाएगा। यहाँ पे 19 से जब हम लोगों ने भाग दिया कितना आया, 1280 आया, और इसमें क्या 25 का मल्टीप्लाई। इस तरह का प्रश्न जो है आपको सेम कोर्स में कराया गया है। अगला क्वेश्चन, ए वर्क एंड टाइप चैप्टर का है, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह से लिखा हो 1/5, 2/5, 3/5 या आपका 2/8, 3/4, जब बटे में लिखा हो तो क्या करना, ये जो ऊपर वाला है जितने दिन में कर रहा है उसको भाग दे दो, 2 से भाग देंगे 12 में, 12 में 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 6, 6 का 5 में गुणा कर देंगे, जो भाग देने पे आता है उसका नीचे गुणा कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है अकेला इस कार्य को 30 दिनों में करता है। क्या? ए अकेला इस कार्य को 30 दिनों में करता है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, से सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है,
डीसी से 25% कम कार्य कुशल है, यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा घुमाया गया है जितना घुमाया जा सकता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ए एलोन कैन डू 2/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। जब इस तरह का रहेगा, फर्स्ट यू कट फ्रॉम, ये जो आपका ऊपर में है 2 से 6 बार 6 का मल्टीप्लाई कर दो, बिलो जो नंबर है, नीचे जो नंबर है, क्या आ जाएगा, ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। सी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी। डी इज 25% लेस इफिशियंट देन सी। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टूगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो देखिए हमने ए का निकाल लिया, ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। फिर क्या कह रहा है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो बी कितने दिन में करेगा, ए का दिनों का संख्या लिखिए और आप क्या करिए, कितना अधिक कार्य कुशल है, जितना अधिक या कम कार्य कुशल हो, जितना ध्यान से सुनिएगा, जितना अधिक या कम कार्य कुशल हो, 100 में अगर अधिक है तो जोड़ के, कम है तो 100 में से घटा देना, नीचे 125 और गुणे में कितना, 100। कट करते हैं 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से कट करेंगे 6 बार, 6 और 4 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 24, यानी बी जो है इस काम को 24 दिन में करेगा। तो यहाँ हम जो है ये पूरा ना लिख के अब क्या लिख लेंगे, बी इस काम को 24 दिन में करेगा। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है, यानी सी जो है कितना दिन में करेगा, इससे 12 दिन कम, तो 24 माइनस 12, यानी सी जो करेगा 12 दिन में। अब क्या कह रहा है, डी सी से 25% कम कार्य कुशल है, तो डी का कैसे निकालेंगे, देखिए 12 गुणे, मैंने क्या बताया था जी, अगर अधिक है तो 100 में जोड़ के और कम है तो 100 में से घटा के, नीचे 100 माइनस 25 करेंगे 75 और मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से इसको कट करेंगे 4 बार, 4 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा, 100, कितना आ जाएगा 16, सॉरी 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 100 नहीं आएगा। अब हमें क्या पता चल गया कि ए 30 दिन में करेगा, बी 24 दिन में करेगा, सी 12 दिन में करेगा, डी 16 दिन में करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सभी का लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, क्या लघुत्तम समापवर्ती। तो देखिए जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ो आप, 30 दोगुना करो 60, क्या 60 में 24 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 90 में जाएगा, नहीं, 120 में क्या 16 से भाग जाएगा, इनसे तो जाएगा लेकिन 16 का नहीं जाएगा 120। अब 120 का डायरेक्ट डबल कर दो 240, क्या 240 में जाएगा, नहीं, 240 में क्या 16 से भाग जाएगा आपका, हाँ जाएगा, 15 बार जाएगा, मिल गया, ठीक है, तो 240 एलसीएम हो जाएगा, क्या 240 एलसीएम हो जाएगा। 30 से भाग देंगे कितनी बार, 8 बार, 24 से 10 बार, 12 से भाग देंगे 20 बार, 16 से भाग देंगे 15 बार। अच्छा ये क्या आया है, ए जो है हमारा एलसीएम जो लिया है हमने, ए टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, यानी टोटल काम है उनका, क्या है, टोटल काम है, और ए हर दिन 8 काम करेगा तो 30 दिन में 240 काम करेगा, बी हर दिन 10 काम करेगा तो 24 दिन में 240 काम कर पाएगा, 24 दही हम 240, सी पर डे 20 काम करेगा तो 12 दिन में 240 काम कर देगा, डी पर डे 15 काम करेगा तो 16 दिन में इतना काम कर देगा। ए इनका एक 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 दिन का काम है, एक दिन का काम है अकेले अकेले, तो
चारों का मिला के एक दिन का काम कितना होगा, ये चीज हम देख लेते हैं। 8, 10, 18, 20, 38 और 15, 53 क्या हो जाएगा, इनका टोटल वर्क एक दिन का कितना हो जाएगा, 53। एक दिन का टोटल वर्क इनका कितना हो जाएगा, 53। अब इसी 53 से हम टोटल वर्क में भाग दे देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 240/53। क्या आंसर हो जाएगा, 240/53। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी ने क्रमशः, ए आपका कहां से है, पार्टनरशिप का है, कहां से, पार्टनरशिप का। ए बी और सी ने क्रमशः 10,000 रुपए, 14,000 रुपए, 20,000 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। बी और सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी ने अपने लाभ का हिस्सा 1,155 रुपए के रूप में प्राप्त किया। ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है। ए एंड बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000, 14,000, 20,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 मंथ सी लेफ्ट द बिजनेस। 7 मंथ आफ्टर सी लेफ्ट द बिजनेस बी आल्सो। यानी सी के छोड़ने के 7 महीने बाद इस बी ने भी बिजनेस छोड़ दिया। बी एंड सी विदड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। सी रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 1,155 रुपीज। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या होगा, यहां पे जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपको, यहां पे आप देखेंगे कई जीरो लिखा हुआ है, क्या कई जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कई बार एक्स्ट्रा इस वजह से लिखने को दिया जाता है कि कई स्टूडेंट क्या होगा, अपना समय वेस्ट करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हम इसमें से जीरो कितना जीरो कम कर सकते हैं इस पे फोकस करेंगे। तो देखिए 4 जीरो सभी का हटा सकते हैं, मैक्सिमम कितना हटा सकते हैं, 4 जीरो। ठीक है, और 2 से कट भी कर सकते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 20। यानी इनका जो पैसे का रेशियो है, ये लोग जो पैसा इन्वेस्ट किया है किस रेशियो में किया है, 5:7:10। आपको क्या पता चल गया, इनका पैसे का इन्वेस्टमेंट पता चल गया, 5:7:10। अब हम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए सी कितना महीना बिजनेस किया, 3 महीना बिजनेस किया, कितना, 3 महीना। तो सी क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट किस रेशियो में हो जाएगा, 10 × 3। बी कितना महीने किया, बी जो है 3 महीना, तो पहले जो सी किया था उसके 7 महीना बाद निकला, ऐसा नहीं है सी ने छोड़ा और देखा देखी तुरंत छोड़ दिया, नहीं, वो 7 महीना और रुका, यानी 7 × 3 = 10। टोटल बी जो है कितने महीना रहा, 10 महीने, तो 7 × 10 = 70। और ए कितना महीना रुका है, 12 महीना पूरा रुका है, 12 × 5 = 60। यानी इनका जो फायदे का रेशियो है, क्या, इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है 60, 70 और 30, यानी 6, 7 और 3 के रेशियो में है। इनका जो प्रॉफिट है किस रेशियो में, 6, 7, 3। ए का है, बी का है और यह सी का है। अब सी को कितना फायदा मिला, देखिए 1,155 रुपए, यानी इस 3 का वैल्यू क्या है, 1,155। आपको ए और बी का बताना है, 13 का वैल्यू बताना है, तो क्या करेंगे हम, 3x का वैल्यू, इसको एक्स के साथ ले लेते हैं, 3x का वैल्यू 1,155 हो तो आपको 7×6 = 13x का वैल्यू बताना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1,155/3। हमें 13x का मान चाहिए तो यहीं 13 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं,
तीन से कट करेंगे, तीन त्रिक के नौ, दो बचा, तीन आठे चौबीस, एक बचा, तीन पचे पंद्रह। हमने 1155 को तीन से कट किया तो क्या मिला, 385। 385 में 13 का मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। 13 पचे 65 को 5, 6 बचा, 13 बटे 104 और 6 110 को 0, 11 बचा, 13 तिया 39, 39 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 50। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5005। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 5005। ये आपका किससे प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट पे आधारित प्रश्न है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा जाता है। 20,000 तथा 40,000 रुपए की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% तथा 15% की साधारण ब्याज दर पर दिया गया, कुल साधारण ब्याज कितना होगा। सम्स ऑफ 20,000 एंड 40,000 आर लेंट फॉर 3 इयर्स एट 10% एंड 15% सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन 20,000 गुणे दर, दर कितना है पहले 10%, समय 3 बटे 100। दो राशियां हैं तो यहां बीच में प्लस का चिन्ह कर लीजिए, 40,000 गुणे 15 गुणे 3 और बटे 100। डबल जीरो से कट करेंगे, यहां डबल जीरो कट जाएगा, ए डबल जीरो से ए कट जाएगा। 200 का गुणा 10 में करेंगे 2000, 2000 का गुणा 3 में करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 6000 यहां आ गया। 400 का गुणा 15 में करेंगे 6000 आएगा, 15 चौका 60, 6000 हो गया। 6000 का गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 18000, क्या आ गया 18000। 6000 को हम क्या करेंगे 18000 में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24000 हमें ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 24000। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख सकते हैं PRT/100, यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है, उसको भाग किससे देना है, 100 से। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है, क्या कह रहा है, जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है, यदि छूट 11% हो तो लाभ क्या होगा। When an article is sold at a discount of 5%, there is a profit of 14%. If the discount is 11%, what will be the profit? फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे हमारा जो क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस है, 100 रुपए है, क्या 100 रुपए है। ऐसा प्रश्न करते समय मैंने आपको बताया था कि जब आपको डिस्काउंट पता हो, प्रॉफिट पता हो, तो ये पता कर सकते हैं कि क्रय मूल्य से हमारा अंकित मूल्य कितना अधिक है, क्या अंकित मूल्य कितना अधिक है पता करते हैं। फार्मूला क्या होता है, जितना डिस्काउंट दे रहे हैं आप उसको प्रॉफिट में जोड़ दीजिए, ऊपर में क्या रहेगा डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, और नीचे क्या रहेगा 100 में से डिस्काउंट को घटाना है, यानी कि 100 में से डिस्काउंट 5 को घटाया 95 और मल्टीप्लाई बाय 100। 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 बटे 95 गुणे 100। 19 से कट करेंगे 95 को 5 बार, 5 से 100 को कट करेंगे 20, यानी कि जो हमारा अंकित मूल्य होगा क्रय मूल्य से 20% ज्यादा होगा। हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया, प्रिंटेड वैल्यू आ गया 120। ये हो गया हमारा कास्ट प्राइस। अब कह रहा है अगर हम 11% का डिस्काउंट दें तो क्या होगा, तो दे देते हैं इस पे 11% का डिस्काउंट। न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 120 गुणे 11% डिस्काउंट 89 बटे 100, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार।
तो कितना आ जाएगा देखिए, 89 में 6 का गुणा, 6 नवा 54 को 4, 5 बचा, 6 8 48, 5 53 और बटे में 5, 5 से कट करते हैं, 5 एकम 5, 0, 6 और आ गया हमारा 106.8। यानी हमारा जो नया विक्रय मूल्य आया कितना आया, 106.8 आया। 100 रुपए का सामान आपने कितने में बेच दिया, 106.8 में बेच दिया, तो क्या होगा, निश्चित ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई, मेंसुरेशन में आपका वॉल्यूम से प्रश्न है, 35 सेंटीमीटर है, इसकी आधार की परिधि त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर अधिक है, इस बेलन का आयतन क्या होगा। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर, द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 37 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। सबसे पहले आपके दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए सिलेंडर का, और पेपर पे भी बन जाना चाहिए। इसका हाइट दिया हुआ है 35, कह रहा है इसका जो परिधि होता है बेलन का 37 सेंटीमीटर अधिक है, तो बेलन का परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। क्या बेलन का परिधि का, सरकमफेरेंस का, सिलेंडर का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr, और बेलन का रेडियस क्या हो जाएगा, r। इसका डिफरेंस दिया हुआ है आपको 37, कितना दिया हुआ है 37। क्या कॉमन हो जाएगा, यहां भी r है यहां भी r है, r कॉमन हो जाएगा, 2π-1 बराबर 37, r कॉमन है, 2π को हम क्या लिख सकते हैं, 44/7-1 बराबर 37, r 7 को हम क्या करेंगे, 1 में, यहां पे 7 LCM हो जाएगा, तो 44-7 आ जाएगा बराबर 37, 44 में से 7 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे मैं लिखता हूं r 37/7 बराबर 37, 37 से 37 कट गया, r का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, हमारा त्रिज्या क्या आ गया, हमारा त्रिज्या आ गया 7। हमें बताना क्या है, हमारा त्रिज्या आ गया 7, हमें बताना है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है नोट कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच का मान निकालेंगे, पाई का मान 22/7, v निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, r का वैल्यू क्या है 7/7, h का वैल्यू कितना है 35, तो 7 से 7 कट कर देंगे, गुणा करते हैं 7 का 35 में गुणा, या 22/7 154 और गुणे 35, 35 का 4 में गुणा करेंगे, 140 को 0, 14 बचा, 35 × 5 = 175 और 14, 189 को 9, 18 बचा, 35 × 35 = 18 = 53, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5390 घन सेंटीमीटर। क्या आंसर हो जाएगा, 5390 घन सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, विपुल और मनीष ने 15,000 रुपए और 20,000 की राशियों को क्रमशः 20% और 30% की प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष है तो विपुल और मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। विपुल एंड मनीष इन्वेस्टेड सम्स ऑफ 15,000 एंड 20,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 20% एंड 30% पर एनम रेस्पेक्टिवली। इफ द टाइम पीरियड फॉर बोथ इज 3 years,
देन व्हाट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय विपुल एंड मनीष टुगेदर। तो देखिए ये राशि जो है कितने पीरियड के लिए दिया जा रहा है, 3 वर्ष के लिए यानी 3 ईयर के लिए, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20% ऑन 30%। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज से ये पता करेंगे कि ये 20% के हिसाब से पहला राशि में 3 साल में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, +20 +20 प्लस 20 × 20 बटे क्या करेंगे 100। इससे हमें 2 वर्षों में पता चल जाएगा क्या आ जाएगा ये 44%। 2 साल में कितना वृद्धि हुआ 44%, ये 20% वाला। फिर तीसरे साल का देखना है तो क्या करेंगे यहाँ पे +44 + 20 + 44 × 20 और बटे 100। 5, 20 से कट करेंगे 5 बार, 5 से इसको कट करेंगे 5 × 40 5 × 40 44 और 20 64, 8 72.8। यानी पहला जो राशि बढ़ेगा कितना परसेंट बढ़ेगा, 72.8% बढ़ेगा। यानी हमें 15,000 का 72.8% निकालना होगा। फिर दूसरा राशि 30% के हिसाब से, तो जब ये 30 + 30 + 30 × 30 / 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 69 आता है हमेशा 30 × 30 / 100। इसी वजह से कहता हूं आप इतना प्रैक्टिस करिए कि आपको कुछ चीजें तो हमेशा याद ही हो जाएं। अब 69 + 30 करके करेंगे, 69 + 30 + 69 × 30 / 100। 0 से 0 कट गया, यहां पे देखिए 69 और 30 कितना हो गया 109 प्लस 69 + 3 = 207। 207 में 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20.7। कितना आ गया 20.7, 109 में 20.7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 129.7। यानी आपको क्या करना है, 15,000 का 72.8% निकालना है और 20,000 का 129.7% निकाल के दोनों को जोड़ देना है। तो हम लोग ये काम करते हैं, इधर का मिटा लेते हैं। हमारा काम का चीज क्या है, ये 72.8 हमारा काम का है और ये 129.7 हमारे काम का है, बाकी काम का चीज नहीं है। 15,000 का 72.8 निकालते हैं, 15,000 × 72.8 / 100। 00 से 00 कट जाएगा, ये दशमलव हटाने के लिए ये 0 हटा के ये दशमलव आप हटा सकते हैं, यानी यहाँ जो 10 का गुणा है यहाँ कर देते हैं तो ये 728 हो जाएगा। 15 का गुणा 8 में करेंगे, 15 × 8 = 120 को 0, 12 बचा, 15 × 2 = 30 और 12 × 42 = 2 = 4 बचा, 15 × 7 = 105 और 4 = 109। यानी पहला राशि पे हमें ब्याज कितना मिला 10,920 का, दूसरा पे कितने मिलेगा 129.7% निकालते हैं, 20,000 × 129.7 / 100, 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 1 दशमलव हटा सकते हैं, यानी कि 1297 × 20 आप लिख सकते हो, 0 × 2 = 14 एक बचा 2 × 18 और 9 = 19 2 × 2 = 4 = 5 2 × 1 = 2। यानी जो दूसरे राशि पर ब्याज मिलेगा कितना 25,940, पहले पे कितना मिला 10,920, यहीं पे हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 0 × 4 = 2 = 6 9 × 9 = 18 5 × 1 = 6 2 × 1 = 3। यानी हमें कितने का ब्याज मिला 36,860 रुपए का, कितने का क्या हुआ 34,860। एक मिनट हम लोग देखते हैं कितना, 15,000 का 72.8 था तो 15 × 728 था और वो
20,200 गुणे 1297 था, 20 गुणे 1297 था। तो करते हैं फिर से, देखते हैं क्या गलती हुआ। 15/120 को 0, 12 बचा, 15 × 2 = 30, 12 × 42 को 2, 4 बचा, 15/175, 4 = 179। सॉरी, 15/105, मैं 25 का गुणा कर रहा हूं, 15/105 और 4 = 109, 10,920 ये आया। इसका गुणा करते हैं 0, 2/14 को 4, 1 बचा, 2×9 = 18, 1×19 को 9, 1 बचा, 2×2 = 4, 1×5, 2×1 = 2, 25,000 जोड़ देते हैं और 940, 0, 4×2 = 6, 9×9 = 18, 5×1 = 6, 2×1 = 2। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 36,860। 2 बार 36,860 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं चेक करके सही कर लूंगा, एक मिनट में देख भी लेता हूं इसका आंसर क्या 34,860 है कि 36,860 है। इसका आंसर जो है 34,860 है। हम लोगों का गलती जो हुआ है ये 30% वाले में हुआ है। ठीक है, 69 और 30 मैंने क्या 109 कर दिया था। ठीक है, जबकि कितना होगा 99 होगा। तो ऐसा जो है गलती आपका हो सकता है। ठीक है, 69 × 30 और बटे 100 करना था, 0 से 0 कटता, 69 और 30 मैंने 109 किया था, जबकि कितना होना चाहिए 99 होना चाहिए। 99 में अब हम जोड़ेंगे कितना, वहां पे कितना जोड़ा गया था 20.7, कितना 20.7, तो इन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 119.7 आएगा। क्या 119.7 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 20,000 का 119.7% निकाल के जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 34,860 आएगा। 10% कम करना है। पहले देखो 129.7% हम लोग निकाले थे, तो 20,000 का 10% कम करेंगे तो 2,000 का वही अंतर आ रहा था, हमारा 36,860 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना है 34,860 आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजू अपनी आय का 10% और 20% क्रमशः परिवहन और भोजन पर खर्च करता है, वह बची हुई आय का 30% यानी शेष आय का जो रिमेनिंग इनकम बचा है उसका 30% कपड़ों पर खर्च करता है, अपनी शेष आय को वह बचा लेता है यदि उसकी बचत 26,460 है, तो भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल कितना खर्च होगा। राजू स्पेंड्स 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड रिस्पेक्टिवली, ही स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथ्स, ही सेव्स द रेस्ट ऑफ हिज इनकम इफ हिज सेविंग इज 26,460, देन व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथ्स टुगेदर। ठीक है, क्या कह रहा है, राजू अपनी आय का 10% और 20%, मान लीजिए राजू का इनकम कितना है 100%, टोटल कितना है 100%, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया 10%, फूड पे भोजन पे कितना खर्च किया 20%, बचा कितना 100 में से 30% खत्म हो गया, बचा कितना 70%। कह रहा है उस 70% का 30%, यानी उस 70 का 30%,
100% नहीं, 100 मानिए, उस 70 का 30% कपड़ों पे यानी क्लोथ पे कितना खर्च किया, 21%। अपनी शेष आय को बचा लेता है, तो देखिए 10 20 21 जाने के बाद बचाया कितना, 26,460। तो 10% 20% 21% यानी आपका चला गया 51%, बचा कितना 49%। 49% का वैल्यू कितना है, 26,460। आपको बताना कितना है भोजन और कपड़े पे मिला के, तो भोजन का कौन सा है 20%, कपड़े पे 21%। आपको 41% का वैल्यू बताना है, क्या 41% का, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 26,460 और बटे 49। आपको 41% का मान चाहिए, तो 41 का मल्टीप्लाई इधर भी, 41 का मल्टीप्लाई इधर भी, 7 से कट करते हैं, 7 सते 49 या 49 से डायरेक्ट कट करते हैं, 49 पचे कितना आएगा, 49 से डायरेक्ट काट रहे हैं, 49 पचे 245, 49 पचे कितना आ जाएगा 245, 5 और उधर बचा 14, 14 5 19, 196 हो गया, तो 49 चौके 196 और 0। हम क्या करेंगे 540 में 41 का गुणा करेंगे, 41 0 0, 41 चौके 164 को 4, 16 बचा, 41 पचे 205 हो जाएगा, 205 में हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 221। हमारा आंसर क्या आना चाहिए 22,140, क्या 22,140। कोई गलती नहीं रहेगा तो आंसर आ जाएगा, अगर मान लीजिए बीच में कहीं गलती हो सकता है, किसी से भी हो सकता है कैलकुलेशन में। कह रहा है अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल होता है, जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है, मिश्रण की मूल मात्रा क्या है। ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कॉन्टेंस 20% एसिड व्हेन 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम्स 15%, व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। हम मान लेते हैं हमारा जो मिक्सचर है कितना है 100x है, कितना है 100x। कह रहा है इसमें 20% अम्ल है यानी एसिड कितना है 100x का 20% 20x, तो बाकी क्या बचा होगा, बाकी बचा पानी होगा यानी 80x वाटर है। अब कह रहा है 10 लीटर पानी मिलाते हैं यानी इसमें जब हम 10 लीटर पानी डाल देते हैं तो ये जो अम्ल है हमारा 15% हो जाता है, और नीचे 100 में 15 गया जो पानी हो जाता है 80% से बढ़ के 85 हो जाता है। कट करेंगे 5 15, 5 से इसको 17 हो गया, 3 का गुणा इधर और 17 का गुणा इधर, 17 दूनी 340x बराबर 80 का गुणा 3 में 240x प्लस 30, 240 को इधर लाएंगे 340 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 100x बराबर 30, क्या आ गया 100x बराबर 30। हमसे यही तो पूछ रहा था मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी, मिश्रण की मूल मात्रा 100x थी, तो 100x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 30 लीटर, कितना आ गया 30 लीटर। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है इसलिए एक व्यक्ति उतना ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है, यदि खर्च 5,400 रुपए है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या था राइस का, प्रारंभिक मूल्य स्टार्टिंग प्राइस, द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 25%, सो ए पर्सन कैन बाई 30 kg मोर राइस फॉर द सेम अमाउंट इफ द कॉस्ट इज 5400, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी।
क्या करेंगे हम, इस फार्मूला क्या होता है, जितना परसेंट कम हो रहा है उसको लिखिए, 25% कम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको पहले का प्राइस पूछ रहा है, यानी पहले जो था, तो 100 में से ये जो जितना कम हो रहा है उसको घटा के लिखिए, यानी 75, और जितने रुपए में जितना अधिक मिल रहा है, यानी 5400 और बटे में क्या 30, 25 से कट करेंगे तीन बार, 3 से कट करेंगे इसको 1800, 30 से कट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 60 रुपए। प्राइस क्या आ जाएगा, प्रारंभिक जो मूल्य था इसका 60 रुपए था। अगर वर्तमान मूल्य पूछता तब क्या करते हम, वर्तमान मूल्य पूछता तो 25/100 ही रहने देते, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं, 5400/30 करते, 00 से 00 खत्म, 5×5=25, 5×6=31, 6×9 बार, यानी वर्तमान मूल्य हमारा कितना आ जाता, 45, कितना आ जाता 45। कह रहा है रोहित की आय 32,000 है, यदि उसका व्यय कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत कितनी होगी। रोहित इनकम इज 32,000, इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 30% ऑफ द टोटल इनकम, देन व्हाट विल बी द सेविंग्स ऑफ रोहित। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 32,000 का 30% अगर मान लीजिए आपने क्या किया, खर्च कर दिया, तो सेविंग क्या बचा, 32,000 का 70%, यानी 32,000 गुणे 70%, यानी कि 7/10, 0 से 0 कट गया, 0 0, 32 का 7 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 224, कितना आ जाएगा 32×7=224, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22,400, क्या आंसर हो जाएगा 22,400। ये देखिए पार्टनरशिप का एकदम बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी और डी के बीच 1,250 रुपए की राशि वितरित की जाती है, बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से के 14/11 के बराबर है, डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, सी का हिस्सा ए के हिस्से के 1.2 के बराबर है, क्रमशः ए बी सी डी के शेयर क्या हैं। एन अमाउंट ऑफ 1,250 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी, द टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 14/11 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी, डीज शेयर इज हाफ ऑफ एज शेयर, सी शेयर इज इक्वल टू 1.2 ऑफ एज शेयर, व्हाट आर द शेयर्स ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से के 14/11, यानी बी प्लस डी का जो हिस्सा है ए और सी के कुल हिस्से का 14/11 है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस सी का यहाँ गुणा है तो ए प्लस सी को नीचे लाएंगे, यानी अभी इधर यूज नहीं करते हैं, इधर का जगह यूज करते हैं, बी प्लस डी बटे ए प्लस सी बराबर 14/11। इसका मतलब यहां पे दिमाग ए लगाइए कि बी प्लस डी का मान 14 है, ए प्लस सी का मान 11 है, ठीक है। यहां पे आप देखिए चारों हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, क्या ए बी सी डी चारों हैं, और इन चारों का मान कितना, बी प्लस डी 14, ए प्लस सी 11, यानी ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, ए कितना है हमारा 14 और 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25, कितना 25 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पे डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, ए बी सी डी किसका पता है हम लोग देखते हैं, डी का हिस्सा ए के हिस्से के आधा है, मान लेते हैं ए का हिस्सा 2 है, आसानी से ताकि मैं आधा कर सकूं,
यानी ए और डी में जो रेशियो है 2:1 का, क्या 2:1 का, सी का हिस्सा ए के 1.2 हिस्से के बराबर है, यानी हमें ए के हिस्से में 1.2 का गुणा करेंगे तो हमें सी का हिस्सा मिल जाएगा, तो 2 का 1.2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2.4। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अब इस 25 से हम क्या करेंगे, इस 25 से क्या करेंगे 1250 में करेंगे, क्या 1250 में। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2 है 2.4 और 1, लेकिन यहां पे b प्लस डी का वैल्यू 14 है और a प्लस सी का वैल्यू 11 है, तो आपको क्या b पता है क्या, नहीं पता है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2.4, a का और c का मान पता है 11, तो इनको जोड़िए x के साथ, भले ही जोड़ना पड़े तो इनको x के साथ जोड़ लेते हैं, तो 2x और 2.4x यानी कि 4.4x बराबर कितना है 11 दिया हुआ है, यहां पे देखिए 11, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 11/4.4, इसको आप क्या लिख सकते हैं 110/44, 11 से काटेंगे 10 बार, 11 से काटेंगे 4 बार, हमारा क्या आ जाएगा 2.5, x का वैल्यू क्या आ गया 2.5, तो 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2.4x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.5 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहां पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। हम इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल रहे हैं, ये जो 14 और 11 दिया है, अच्छा ये पूरा का वैल्यू क्या है 25 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 में से इन तीनों को घटा दीजिए 5, 6, 11 और 2, 13, 13.5 ये हो गया, बाकी क्या बचा हमारा 11.5, 13, 11 हो जाएगा 24, 13.5 और 11.5 हो गया पूरा 25, निपट गया पूरा। अब आप क्या करिए, यहां से वैल्यू निकालिए ए बी सी डी का, तो हम देखिए कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालना है तो 1250 में हम क्या करते हैं, पहले तो ए 25 से 14 और 11 टोटल से भाग देते हैं 25 से, तो क्या आ जाएगा हमारा आ गया ये 50, 50 का गुणा 5 में करेंगे ए का वैल्यू आ जाएगा 250, 50 का गुणा करेंगे 11.5 में तो कितना आ जाएगा ये 575, गुणा करिए 50 का गुणा 6 में करेंगे आ जाएगा 300, 50 का गुणा 2.5 में करेंगे आ जाएगा हमारा कितना 125, यानी ए बी सी डी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 250, 575, 300 और 125। आंसर देखिए 250, 250 ए वाला आंसर नहीं होगा आपका, 525 नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन आंसर होगा, इसको मैं सही कर दूंगा, हमारा आंसर क्या होगा 575 होगा, क्या 575 होगा, ए वाला होगा, ठीक है 525 नहीं होगा, हमारा ए आंसर होगा, तो इसको आप सही कर लेंगे और बाकी मैं वहां पे सही कर दूंगा टेस्ट में। एक शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, एक शंकु है कोई, ठीक है क्यूब, आधार का त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, 400 घन सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या है 400 घन सेंटीमीटर, उस शंकु का आयतन क्या होगा जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 2r सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर है, क्या उस शंकु का आयतन क्या होगा
जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 2r सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन हुज बेस रेडियस एंड हाइट आर आर एंड एच रिस्पेक्टिवली 400 इज ए क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए कोन हुज बेस रेडियस एंड हाइट आर 2r सेंटीमीटर एंड h सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखते हैं इसमें भी आंसर एक गलत किया गया है क्या, देख लिया जाए, ए 2r हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फार्मूला, आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मान लीजिए आप यहां भी लिखेंगे और इसके नीचे भी 1/3 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, पाई आप यहां भी लिखेंगे, पाई आप यहां भी लिखेंगे तो कट जाएगा, इस वजह से हम डायरेक्ट आर ही लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, रेडियस आर है तो आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एच, और इसका आयतन कितना है 400। हमें दूसरे वाले का पता करना है तो एक्स लिख लेते हैं। इसका त्रिज्या कितना है 2r, तो कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर करिएगा 4r स्क्वायर, और एच, एच से एच खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा 4 का गुणा 400 में करेंगे यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1600 घन सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 1600 घन सेंटीमीटर, तो सही है, क्या सही है आंसर आपका। कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है और यह 72 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चल रही है, यह 710 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 330 मीटर एंड इट्स रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 710 मीटर लॉन्ग। तो देखिए क्या है, ट्रेन की लंबाई 330, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लेटफॉर्म कितना 710, यानी उसको डिस्टेंस कितना कवर करना होगा 330 मीटर तो ट्रेन का और 710 मीटर प्लेटफॉर्म का, 330 से 710 है, कुल दूरी हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1040 मीटर, क्या 1040 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। हमारा डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 72 में 5/18 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। समय पूछ रहा है, समय का फार्मूला टाइम बराबर डिस्टेंस और बटे हमारा क्या स्पीड, जीरो से जीरो, दो से कट करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 52 सेकेंड, क्या आंसर आ जाएगा 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 450 मीटर और 300 मीटर है एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की गति से आगे बढ़ रही हैं। यदि ट्रेनों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो यह ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। फिर टाइम पूछा जा रहा है, टू ट्रेन्स हुज लेंथ्स आर 450 मीटर एंड 300 मीटर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 162 किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन्स इज 300 मीटर देन इन व्हाट टाइम दिस ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर। मान लीजिए यहां पे क्या है आपका, ये पहला वाला ट्रेन है, ये दूसरा वाला ट्रेन है और इनके बीच का दूरी भी दिया हुआ है कितना 300 मीटर एक दूसरे की ओर जा रही हैं, इसका स्पीड 162 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर, ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 162 और 108 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 270। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत में है, हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है तो इस स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, गुणे 5/18 करेंगे तो 9 दूनी 18
तीस, दो से कट करेंगे 15, कितना आ जाएगा हमारा 15×5 75 मीटर पर सेकेंड, 75 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गया 75 मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई कितना है 450 ए है, 300 ए है और 300 ए है, तो देखिए 300 300 600 और 400, यानी टोटल डिस्टेंस 1050 मीटर, समय बराबर कुल दूरी बटे यहाँ हम चाल कर देंगे 75, 15 से कट करते हैं 15×5 75 15×70, 5 से कट करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14 सेकेंड, क्या आंसर हो जाएगा हमारा 14 सेकेंड। ए एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिनों में कर सकता है, तो एक साथ कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कैन डू 1/4 ऑफ ए वर्क इन 9 डेज, बी कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 28 डेज, देन वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का निकालेंगे, ए कितने दिन में करेगा, देखिए एक से भाग देंगे 9 में, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 का गुणा अब नीचे करना है, यानी ए करेगा 36 दिन में, बी का देखते हैं 2 से भाग देंगे 28 में 14, 14 का गुणा नीचे करेंगे यानी बी करेगा कितना दिन में 42 दिन में, 36 और 42 का एलसीएम लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 252, क्या आ जाएगा हमारा 252 एलसीएम हो जाएगा 36 और 42 का, 36 से कितना बार हो जाएगा हमारा 7 बार और 46 से 6 बार, टोटल वर्क हमारा क्या है 252 है, ए 7 दिन में, 7 दिन में, और बी ए का काम 1 दिन का 7 है, बी का 1 दिन का काम 6 है, तो दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा 7 और 6 को हम लोग जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 7 और 6 13, हम क्या करेंगे 252 में 13 को भाग देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी टोटल वर्क बटे इन लोगों का दोनों लोगों का काम। करे एक वस्तु पर 12% और 18% की दो लगातार छूट के बाद 54,120 रुपए में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 54,120 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 18%, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य या अंकित मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में हम गुणा किसका करेंगे 100 का, जितना डिस्काउंट दिया है या जितना लॉस हो रहा है उसको घटा के नीचे, 100 में से 12 घटाएंगे 88, 100 में से 18 घटाएंगे 82, कट करेंगे 4 से 25 बार, 4 से 22 बार, 22 से इसको कट करेंगे, 22 दूनी 44, 10 बचा, नहीं कट रहा है ये 22 रहने देते हैं, 22 से नहीं कट रहा है तो रहने देते हैं, 2 से कट करते हैं, 2 से 11, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, 6, 0, फिर 82 से कट करते हैं, देखते हैं कटता है क्या, 8 त्रिक 2 से कट करते हैं ये 41 बार, ये 50 बार कटेगा तो जरूर, 41 दूनी 11 दूनी 22, 5 बचा, हाँ कटेगा, अब पता नहीं तब क्यों नहीं कट रहा था, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 छक 66 और 0, अब 41 से कट करते हैं तो 41 से 6 बार और ये 0,
60 का गुणा करेंगे 50 और 25 में, 60 का 50 में गुणा करेंगे 3000 आ जाएगा, 3000 का गुणा करेंगे 25 में, हमारा आंसर आ जाएगा 75,000। कितना आ जाएगा? 75,000, 75,000 हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? What will be the simple interest on an amount of 12,000 at the rate of 15% per annum for 3 years? क्या है? 12,000, 15% सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। 15 का गुणा 12 में 180, 1800 गुणे 3 आ गया हमारा कितना? 5400। कितना आ गया? 5400। कह रहा है विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर हैं। कौन कौन? विनय और महेश। कितना दूरी है? 250। कह रहा है वे क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे? विनय एंड महेश आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर फ्रॉम ईच अदर, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर? जब दोनों एक दूसरे के ही दिशा में जा रहे हैं विपरीत में, तो क्या होगा? दोनों का स्पीड जोड़ लेंगे तो 36 और 54 कितना हो जाएगा? 90, और उस 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 25 मीटर पर सेकेंड इनका स्पीड आ गया, रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस और बाय रिलेटिव स्पीड। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 सेकेंड। क्या आंसर आ जाएगा? 10 सेकेंड। कह रहा है मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? मोहित सैलरी इज 60% मोर देन विजय सैलरी, विजय सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन मोहित? तो क्या करेंगे हम? जितना अधिक है उसको लिखेंगे, और अधिक की बात कर दिया है नीचे 100 में जोड़ के लिख लीजिए और गुणे 100। 0 से 0, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 छक्का 150 बटे 4 यानी कि 75 बटे 2 क्या आ जाएगा हमारा? 37.5%। कितना आ जाएगा? 37.5%। कह रहा है एक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कितना हमें गोला प्राप्त होगा? द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्पेयर इज 42 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू स्मॉल यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर्स हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्मॉल सॉलिड स्पेयर ऑब्टेन? तो देखिए हमें क्या करना है, बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग दे देना है। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर पे क्यू। तो ये पहला गोला बड़ा वाला और नीचे फिर 4/3 पाई दूसरा गोला का त्रिज्या और उसका क्यूब। 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म। आर वन का वैल्यू कितना है? 42, यानी 42 × 42 × 42 नीचे क्या आ जाएगा? 7 है तो 7 × 7 × 7, 7 से कट करेंगे 6 बार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 × 6 × 36, 36 × 6 × 216 216। कितना हो जाएगा? 216। कह रहा है 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था, उसके वेतन में कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है। क्या वृद्धि हो रहा है? पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में 10%, 1%, 20%।
रमन का वर्तमान वेतन कितना आ गया? 83,160। ए का मूल्य क्या है? रमन सैलरी 3 years बैक वाज 45,000। हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% ए परसेंट एंड 20% इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। द प्रेजेंट सैलरी ऑफ रमन इज 83,160। वाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो देखिए, 3 वर्ष पहले कितना था? 45,000। 2 बार वृद्धि कितना कितना का हुआ? 10% और 20%। 10% का मतलब 110/100, 11/10। 20% का मतलब 120/100, यानी कि 6/5। अब तीसरा ए है, तो इसको 100 प्लस ए कर लेते हैं और नीचे बटा 100 बराबर। अब कितना हो जा रहा है? ए 83,160 इतना हो गया। अब हम कट करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 5 से इसको काट दिए 9 बार। अब 9 से इधर भी कटेगा, कैसे चेक करते हैं? 8, 3, 11, 1, 12 और 6, 18। तो 9 से कटेगा, काटते हैं, 99, 81, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 0। 6 से चेक करना है, तो 9 दू 11, 4 15, 6 से भी कटेगा, 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 3 बचा, 6 पचे 30, 2 बचा, 6 चौक 24, 0। 11 से भी कटेगा, कैसे? 4 और 1, 5, 5 में से 5 घटाएंगे, 0। 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 चौक 44 और 0। यानी 100 प्लस ए बराबर क्या आ गया हमारा? 140 आ गया। ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 140 माइनस 100, यानी कि 40%। जो तीसरा परसेंट हमारा हो जाएगा कितना? 40% हो जाएगा। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, आपको मेंसुरेशन पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि मेंसुरेशन से 10-12 क्वेश्चन जो है लगभग पूछे जा रहे हैं। कह रहा है यदि इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है और पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 45 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए आपका बेलन है, बेलन ही है, हाँ, 45 सेंटीमीटर इसका हाइट है और परिधि दिया हुआ है, यानी 2πr का वैल्यू दिया है, 2 × 22/7 और गुड़े r, r पता नहीं है, पता करते हैं, ये कितना है? 132। 22 से कट करेंगे 6 बार, 2 से कट करेंगे 3 बार, त्रिज्या आ जाएगा 7 × 3 में होगा 21 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस क्या आ गया? त्रिज्या कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया। फार्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, क्या? 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πrh। 2 × 22/7 × r का वैल्यू 21, गुड़े एच का वैल्यू 45, 7 से कट करेंगे 3 बार, 2 × 3 = 6, 6 × 45 में गुड़ा करेंगे कितना आ जाएगा? 22 × 270 आ जाएगा। 45 × 6 में गुड़ा करेंगे कितना आ जाएगा? 270। 0, 22 × 7 = 154 को 4, 15 बचा, 22 × 2 = 44 और 15 = 59। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5,940 वर्ग सेंटीमीटर। क्या? 5,940 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका जो है 25वां और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। तो उम्मीद है, मुझे लगा होगा कि हाँ, इस टेस्ट में पूरा जो है आपका मतलब दम था इस टेस्ट में। ए अकेला एक काम को 11 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 22 दिन में कर सकता है, सी अकेला उसी कार्य को 33 दिन में कर सकता है, लेकिन तरीका ऐसे है, नियम ऐसे है। क्या नियम कहता है?
पहले दिन ए और बी काम करते हैं, दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, तीसरे दिन सी और ए काम करते हैं, फिर यही तरीका चलते रहता है, फिर ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए। ये साइकिल कितने दिन का है? पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन बी प्लस सी, फिर तीसरे दिन सी प्लस ए। यानी एक साइकिल में कितने दिन हो रहे हैं? फर्स्ट डेज, सेकेंड डेज, थर्ड डेज। यानी एक चक्र में जो है तीन दिन है। क्या? तीन दिन। तो देखते हैं, ए अकेला एक काम को कितने दिन में? 11, बी 22, सी 33। तीनों का एलसीएम 66, 11, 6, 22 से 3 बार, 33 से 2 बार। ये 6, 3, 2 क्या आया है? इनका पर डे का काम आया है, ए बी सी का। लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है? पहले दिन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का काम क्या होगा? 6, 3, 9। दूसरे दिन बी प्लस सी, 3 और 2, 5। तीसरे दिन सी और ए, 2 और 6, 8। यानी कि इन तीन दिनों में कितना काम हो गया ए पता करिए। तो तीन दिन में देखिए, 9, 5, 14 और 8, 22। तीन दिनों में मिला के 22 काम हुआ, 22 यूनिट कार्य हुआ। और कुल काम हमारा कितना है? 66। इस 66 में, यानी एक साइकिल में कितना काम हुआ? 22 कार्य दिन। अभी किनारे करिए, एक साइकिल में कितना काम हुआ? 22 का। तो 66 को हम क्या करेंगे? 22 से भाग दे देंगे। कितना साइकिल काम चलेगा ये पता चल जाएगा। तीन साइकिल जो है काम चलेगा। कितना? तीन साइकिल काम चलेगा। 22 से हम क्या करेंगे? अब देखिए, एक साइकिल में तीन दिन, तो तीन साइकिल में 3:3, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 दिन। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 9 दिन। तो इसका आंसर देख लीजिए, 9 डेज। तो ये फ्रेंड्स आपका मैथ का जो है एक्सप्लेनेशन था मिनी मॉक टेस्ट 1 का। तो अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें, ठीक है। उनको बोलें कि यूट्यूब पे डेमो वीडियोस जरूर देखें, और उनको भी अगर अच्छा लगता है कोर्स तो एप्लीकेशन पे जरूर जुड़ें। थैंक यू।